14 में हम देख चुके हैं, मिस्टर ली को धोखेबाज समझ के दानदन जॉब से रिजाइन करने वाली थी, इसलिए बच्चे रोते हैं। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 15 से पहले पार्ट 14 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो लाइक और शेयर करना, और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 15 में हम देखते हैं सियोजंग रोता हुआ रेडी रेडी करता हुआ मिस्टर ली के पास भाग के आता है। मिस्टर ली पूछता है क्या हुआ। सियोजंग कहता है डैडी प्लीज मिस दानदन को रोक लो, अगर मिस दानदन चली गई तो मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, ना ही स्कूल जाऊंगा और ना ही तुम्हारी बात मानूंगा। जैनी कहती है डैडी भले ही आप 22 साल के हो, पर हमारे लिए इतना तो कर सकते हो ना, हम मिस दानदन के बिना नहीं रह सकते। सीचन कहता है प्लीज डैडी हमारी हेल्प करो। वो हैरान हो कहता है तुम बस दानदन के जाने पर इतना रो रहे हो। जैनी कहती है हाँ क्योंकि वो हमारी फेवरेट ट्यूटर है। सीयोजंग को रोता देख मिस्टर ली कहता है सॉरी बच्चों मुझे नहीं पता था दानदन तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, वरना मैं तुमसे पूछ बिना उसे रिजाइन नहीं करने देता। क्या तुम्हें सच में उसकी जरूरत है। तो तीनों बच्चे हाँ करते हैं। वो कहता है ओके तुम्हारा डैडी सब संभाल लेगा, रोना मत। दानदन पैकिंग कर रही थी, मिस्टर ली आकर कहता है क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो, पर तुम यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि मैंने तुम्हारा रिजाइन लेटर एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है तो तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी होगी। वो कहती है सॉरी पर मैं जा रही हूँ। तो कहता है मैं करना तो नहीं चाहता, पर तुमने कोई और ऑप्शन भी नहीं छोड़ा, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। तुमने एक साल जॉब करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर तुमने अभी सिर्फ 6 महीने जॉब की है, तो अगर तुमने एक साल से पहले जॉब छोड़ दी तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। वो कहती है क्या तुम सच में मुझ पे केस करोगे। तो कहता है हाँ करना तो नहीं चाहता, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अगर तुम नहीं माने तो मुझे करना पड़ेगा, मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगा। वो कहती है मैं पैसों की वजह से जॉब नहीं छोड़ रही। मिस्टर ली कहता है तुम्हें पता है ना कि मेरी याददाश्त अभी वापस नहीं आई, अगर तुम बीच में छोड़ के चली जाओगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा और बच्चों को कौन संभालेगा। प्लीज जब तक मेरी याददाश्त वापस नहीं आ जाती तुम हमारे साथ रहो। दानदन वाज लाइक मिस्टर ली। तो कहता है पर अगर नहीं मानी तो मैं केस कर दूंगा। वो हैरान। मिस्टर ली आकर कहता है बच्चों मिस दानदन यही रहेगी, मैंने मिशन कम्प्लीट कर दिया। तो वो सब खुश होकर क्लैप करते हैं। मिस्टर ली कहता है सॉरी मैंने गलती कर दी थी, आगे से मैं हर बात तुमसे डिस्कस करूंगा, बट बच्चे उसकी बात सुने बिना ही भाग जाते हैं। तो कहता है मेरी तो ये सुनते ही नहीं है, क्या ये दानदन को इतना पसंद करते हैं। तीनों बच्चे भाग के दानदन को पीछे से हक्कड़ लेते हैं, थैंक यू तुमने हमारे लिए हाँ कर दी। सीजन कहता है मैं आगे से बिल्कुल शरारत नहीं करूंगा, गुड बॉय बनूंगा। सीजन कहता है थैंक यू मैं अभी बिल्कुल नहीं रोऊंगा। दानदन कहती है सॉरी बच्चों पर मेरी जॉब छोड़ने का तुम लोगों से कोई लेने देना नहीं है, और सोचती है अब मैं क्या करूंगी। मिस्टर ली उसे बाहर से देख रहा था कि दानदन में ऐसा क्या है कि बच्चे उसे छोड़ ही नहीं रहे। ये तो ना माँ बेटी पार्टी कर रही थी, अब तो हम अमीर बनने वाले हैं और नाचती हैं। तभी मिस्टर ली का फोन आता है, तो सारा मॉम को चुप करा कर कहती है क्या हुआ डार्लिंग। मिस्टर ली कहता है तुम नया रूटर मत ढूंढना, दानदन यहाँ रहने के लिए मान गई। सारा हैरान ये कैसे हो सकता है। वो कहता है मैंने उसे रोक लिया, बच्चों के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई, और फोन काट देता है। सारा गुस्से से चिल्ला पड़ती है मधुमक्खी कहीं की, तो मॉम उसे छुपाती है। मिस्टर ली देखता है दानदन बच्चों के साथ बबल्स बना रही है, तो उसे स्माइल करते हुए देख मिस्टर ली को कुछ कुछ हो रहा था। सीचन कहता है डैडी चलो हमारे साथ हाइड एंड सीख खेलो। मिस्टर ली दानदन को देख हाँ कर देता है। सीजोंग काउंटिंग कर रहा था, तो सब जल्दी जल्दी छुपने लगते हैं। दानदन जहाँ छुपती है मिस्टर ली भी वहाँ के छुप जाता है। वो उसे देख हैरान। सीजोंग कहता है मैं पकड़ने आ रहा हूँ। दानदन मिस्टर ली को देख उठने वाली थी, पर मिस्टर ली उसे पकड़ के रोक लेता है, कहाँ जा रही हो, हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। वो उसके बहुत क्लोज था और उसे देख ही जा रहा था। फिर वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है, पर दानदन उसे देख जोर से धक्का मारती है। सीजोंग भाग के कहता है डैडी तुम पकड़े गए। मिस्टर ली कहता है दानदन तुम तो बेवफा निकली, खुद को बचाने के लिए मुझे धक्का मार दिया, अब तुम्हारी वजह से मुझे डायन बनना पड़ेगा। दानदन कहती है मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी है, तुम मेरी जगह छुपने क्यों आए थे, कहीं और भी छुप सकते थे। वो कहता है पर मेरा दिल अचानक से दुख क्यों रहा है। सियोजंग हैरान। जैनी और सीचन आकर पूछते हैं
क्या हुआ डैड, आपको दर्द हो रहा है क्या? वो कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, लगता है एक्सीडेंट का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम बच्चों खेलो, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। सियोजंग कहता है, बड़ी मुश्किल से तो डैडी पकड़े गए थे, कहीं डैडी डायन बनने से बचने के लिए ड्रामा तो नहीं कर रहे? पर दानदन को मिस्टर ली की चिंता हो रही थी। सारा उससे पूछती है, क्या हुआ तुम ठीक हो? तो कहता है, पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, कहीं एक्सीडेंट की वजह से दिल में चोट तो नहीं लग गई? जब मैं छुपने के लिए दानदन के क्लोज हुआ तो मेरा दिल बहुत तेज से धड़कने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे दिल छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा, पर अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सारा सोचती है, इसे दानदन का कुछ भी याद नहीं है, पर इसकी बॉडी अब भी दानदन को ही लाइक करती है। नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। और कहती है, मिस्टर ली तुम्हें अपना हार्ट चेकअप कराना होगा, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। डॉक्टर बताते हैं कि मिस्टर ली का दिल बिल्कुल ठीक है। वो पूछता है, तो फिर इतने जोर जोर से क्यों धड़क रहा था? डॉक्टर कहते हैं, या तो ज्यादा स्पोर्ट्स खेलने की वजह से हो सकता है, या फिर हम जब किसी को लाइक करते हो। मिस्टर ली कंफ्यूज था। सारा कहती है, तुम बच्चों के साथ खेल रहे थे ना, इसलिए हुआ होगा। दानदन मिस्टर ली से आकर पूछती है, सुना है तुम डॉक्टर के पास गए थे, क्या मेरे धक्का मारने की वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई? वो कहता है, मैं तुम्हें शर्मिंदा तो नहीं करना चाहता था, पर तुमने पूछ लिया तो बता ही देता हूँ, रियल में तुम्हारी वजह से मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गई और अब मेरा ऑपरेशन होगा। वो कहती है, क्या सच में? ये मैंने क्या कर दिया, सॉरी मुझे नहीं पता था। मिस्टर ली हंस के कहता है, मैं मजाक कर रहा था। तुम कितनी पगलैट हो, एकदम विश्वास कर लिया, इस पे तो सीजोंग भी विश्वास ना करे। दानदन गुस्से से चली जाती है। मिस्टर ली हंस रहा था, पर दानदन सोचती है, ये कितना नॉटी है, मन कर रहा है इसकी टकली फोड़ दूं, पर ऐसा नहीं कर सकती। दानदन को मिस्टर ली के ऑफिस से आता देख सारा कारण पूछती है, तो वो बताती है कि मैं उसके दिल के बारे में पूछने गई थी। सारा कहती है, तुम्हें मिस्टर ली की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आगे से ऐसी उसके ऑफिस में मत घुस जाना, पहले मुझसे बात करना। दानदन ओके बोलकर चली जाती है। सारा सोचती है, काश मैं इस पे 24 घंटे नजर रख पाती। हाँ एक आइडिया है। और फिर मिस्टर ली के लिए उसका फेवरेट चॉकलेट केक लेके आती है और कहती है, दानदन के लिए 24 घंटे बच्चों की केयर करना काफी मुश्किल है, तो क्यों ना दानदन को रात में उसके घर जाने दिया जाए, उसकी जगह मैं बच्चों का ख्याल रख लूंगी। वो कहता है, नहीं मैं पहले बच्चों से पूछ लूं। वो कहती है, पर मैं बच्चों की केयर करना चाहती हूँ और हमारी शादी भी तो होने वाली है, तो ये बात बच्चों से पूछने की क्या जरूरत है। वो कहता है, पहले मैंने बच्चों से पूछे भी ना, दानदन का रिजाइन लेटर एक्सेप्ट कर लिया था तो वो बहुत रोए थे, इसलिए मैंने उनसे हर बात पूछने का प्रॉमिस किया है। सारा चुप। फिर वो बच्चों से पूछता है, क्या रात में दानदन की जगह सारा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ रुक जाया करे? जैनी मना कर देती है। सियोजंग कहता है, मुझे भी मंजूर नहीं है, मुझे तो मिस दानदन के बिना नींद भी नहीं आती। सीजन पूछता है, क्या मिस दानदन ने ऐसा करने को कहा? वो बताता है कि नहीं सारा ने कहा। बच्चे मना कर देते हैं तो मिस्टर ली उनकी बात मान लेता है। जैनी कहती है, ये बात मिस दानदन को मत बताना, उन्हें बुरा लगेगा। मिस्टर ली सारा को बताता है कि बच्चों ने मना कर दिया, तो वो कहती है, मैं तो बस बच्चों के क्लोज होना चाहती थी, पर लगता है वो मुझे सिर्फ मैनेजर मानते हैं, क्यों ना हम उन्हें शादी के बारे में बता दें। मिस्टर ली कहता है, पर तुम्हें तो पहले मना किया था कि जैनी के फाइनल एग्जाम्स हैं, तो उसे बाद में बताएंगे। सारा सोचती है, हाँ अगर उस जैनी को पता चला कि मैं उसके डैड से शादी कर रही हूँ तो वो बहुत ड्रामा करेगी और शादी भी रुकवा देगी। मिस्टर ली कहता है, तो क्या मैं बच्चों को बता दूँ? सारा कहती है, नहीं नहीं जैनी के एग्जाम्स खत्म होने के बाद बता देंगे हम बच्चों को। पर सोचती है, ये 22 साल का क्या हो गया, इतनी सी बात भी बच्चों से भी नहीं मनवा सकता, कहीं ऐसे फिर से दानदन से लव ना हो जाए। नहीं नहीं मुझे पहले कुछ करना होगा। सीचन आकर पूछता है, तुमने डैड को ऐसा क्यों कहा कि रात को मिस दानदन की जगह तुम हमारे साथ रहोगी? भले ही मेरे डैड 22 साल के हो गए, पर इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मर्जी चलाओगी, मिस दानदन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आगे से उन्हें परेशान मत करना, तुम थोड़ी ना उन्हें सैलरी देती हो। सारा कहती है, देखो तो सही छुटके से बच्चे का मुझ पे हुक्म चला रहा है। इधर मिस्टर पाक की गार्ड की जॉब छूट गई थी, इसलिए वो लास्ट बार ऐना को गुड बाय करने आता है, पर ऐना उसे जाते हुए देख रही थी। देवम और मामा का बिजनेस ठप पड़ा था, ऊपर से एक लेडी आकर उन पे आरोप लगाती है कि तुम्हारे ड्रमस्टिक खाकर मेरा बेटा बीमार हो गया, और उनका सामान भी फेंक जाती है। वो प्रूफ दिखाने को कहते हैं तो मना कर देती है। देवम डैड से सॉरी बोलता है कि मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाया। सारा की मॉम न्यूज देखती है कि बारिश हो रही है, हो सकता है फ्लड आ जाए, तो वो जल्दी जल्दी रात में ही जाके चुराई हुई कीमती चीजों को निकालने लगती है। मिस वेंग देखती है कि अरे मेरे बेबीज वापस आ गए, पर वो गायब हो जाते हैं और उसे हर जगह बेबीज यानी गोल्ड दिखाई दे रहा था, तो वो रोती हुई नींद से उठ जाती है। सारा की मॉम सारा गोल्ड बेच देती है
और वो डायमंड रिंग भी जो लगभग $3 लाख के बीच आती है, शायद वो बहुत कीमती होगी। मिस वैंग चोरी छुपे मिस्टर ली के ऑफिस में आकर उसकी सेफ का पासवर्ड खोलने लगी थी, पर नहीं खुलता। और मिस्टर ली की आवाज सुन जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। वो कहता है, बुढ़िया तू मेरे ऑफिस में क्या कर रही है? वो कहती है, मैं यहाँ सफाई करने आई थी, तूने मुझे घर में रहने दिया ना इसलिए। वो कहता है, बुढ़िया झूठ मत बोल। तभी सारा मिस वैंग को पकड़ के उसके रूम में ले जाती है और मिस वैंग पे चिल्लाती है कि तुम हमेशा प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ाती रहती हो। वो भी हैरान थी कि ये मुझ पे भड़ास निकाल रही है। वैसे मेरी बेबीज मिस्टर ली के सेफ में होंगे। जूनो जब भी मरियम को देखता उसे एक्सीडेंटल किस की याद आ जाती, तो वो मरियम से सॉरी बोलता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, ट्रस्ट मी मैं जर्क नहीं हूँ। मरियम कहती है, मुझे पता है पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो कहता है, हाँ तुम भी ब्यूटीफुल हो। वो पूछती है, तो क्यों ना हम डेटिंग करें? और दोनों हंस पड़ते हैं। मॉम मिसू को बताती है कि मिस्टर पार्क की जॉब छूट गई, कोई मुझे भी जॉब नहीं दे रहा, अब हम घर कैसे चलाएंगे, तो तुम ही मुझे कोई जॉब दे दो। मिसू कहती है, नहीं तुम मेरी भाभी हो तो ये पैसे रख लो, पर मिस्टर पार्क को मत बताना। जब तक उसे जॉब नहीं मिल जाती मैं तुम्हें पैसे देती रहूंगी। मॉम तब तो वहाँ उसको थैंक यू करती है, पर घर जाके बहुत खुश होती है। इधर सीजन बहुत मेहनत करके एक रोबोट बनाता है और उसके फोटो खींच रहा था। तभी सीजन आकर कहता है, वाओ ये कितना कूल है, तुमने ये खुद बनाया? सीजन उसे टच करने से मना कर रहा था, पर सीजन के हाथ से छूटने पे रोबोट टूट जाता है। सीजन रोता है तो सीजन कहता है, मैंने तुझे टच करने से मना किया था ना, और उसे सोफे पे धक्का मार देता है। सीजन को रोता देख सारा भाग्या उसे हक कर लेती है और कहती है, ये सीजन तेरी हिम्मत कैसे हुई सीजन को मारने की? सीजन कहता है, इसने मेरा बहुत मेहनत से बनाया रोबोट तोड़ दिया। वो कहती है, इस बेकार से खिलौने के लिए तूने छोटे बच्चे को मारा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या, पगला अटैक है तू? सीजन कहता है, इसमें सीजोंग की गलती है। दानदन आकर बीच बचाव करती है तो सारा कहती है, तू बच्चों को ये सिखा रही है, इस गधे ने सीजोंग को मारा है, और रोते हुए सीजोंग को उठा के ले जाती है। सीजन भी गुस्से से रूम में भाग जाता है और बड़ा रो रहा था, तो दानदन कहती है, मुझे पता है तुमने वो रोबोट बहुत मेहनत से बनाया था, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर नया रोबोट बनाए? सीजन कहता है, नहीं इसे भी कूड़े में फेंक दो। इधर सीजन कहता है, मिस सारा रियल में गलती मेरी थी, सीजन ने मुझे टच करने से मना किया था पर मैंने फिर भी रोबोट गिरा दिया, मैं उसे सॉरी बोलने वाला था। और इसी के साथ पार्ट 15 का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।